ये जिगरी भजन प्रतियोगिता आप लोग सुन रहे हैं। छोकरा वाले हनुमान जी के मंदिर पर ग्राम बछामती तहसील नदवाई जिला भरतपुर राजस्थान, जिसके ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है देशवाल सांग सरदास मुड़िया का थूमर अलवर राजस्थान से, और जिसके गायक है मास्टर तेजसिंह इसरत अलवर राजस्थान से, ढोलक पर संगति कर रहे हैं मास्टर धर्मवीर सिंह चहार, भवनपुरा झेंगरा करावली आगरा उत्तर प्रदेश झीका पर जो झनकार दे रहे हैं बड़े भाई बदन सिंह भर्रा मीडिया। सर्वप्रथम निवेदन करेंगे जो सज्जन इधर उधर भटक रहे हैं उनसे शांति बनाए और नजदीकी मायक अपने स्थान ग्रहण करें। यह अंतिम प्रस्तुति है हमारी आज की, और कुछ श्रोताओं से निवेदन करेंगे जो एक दूसरे के कान में थूक भर रहे हैं। तुम तो कह रहा हूं मैं तो निवेदन कर रहा हूं साहब हाथ जोड़ के, मैं तो अब सुनबो ना सुनबो तैयारी मर्जी है साहब। हाँ शांति से सुनोगे तो हमारा भी मन लगेगा सुनाने में। जैसा कि बुद्ध जी भी कहते हैं इंसान को अभिमान अनेकों प्रकार का होता है, अभिमान धन और दौलत का होता है, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हूं, और धर्मवीर इंसान को अभिमान अपनी ताकत का होता है, मैं बहुत बड़ा बलशाली हूं, और अभिमान मैंने इतना दान कर दिया, ये दान का भी अभिमान होता है इंसान को, और अभिमान होता है इंसान के लिए। धर्मवीर मैं इतना सुंदर हूं, सुंदरता का अभिमान कभी कह रहा है चार लाइनों में, एक एक शब्द सुनना, ज्यादा ही रूप का छुपा लियो सीता ने या इते तो रावण जाकू हर के लायो है, ज्यादा घमंड कछु कर लियो रावण ने, राम के हाथन जाको जल्दी काल आयो है, ज्यादा ही दान कछु कर लियो भूप बली, और तीन पग नाप प्रभु मान जो घटाया है, कहा कभी लखन तुम ज्यादा मत अभिमान करो, जाने ज्यादा अभिमान करो पीछों पछे तायो है। बताओ जिकड़ी गांव का गारी गांव, मैं तो गारी तुम ते ही दूंगा गवैया अंत ना दूंगा। सुनिए जिकड़ी गाय जो जिकड़ी की मर्यादाएं होती हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं गायक बंधु, और आप ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग सम्मान कर रहे हैं, अच्छा है, सबका कर रहे हैं।
मैं जिकड़ी प्रारंभ करने से पहले साखी से शुरू करता हूं। साखी जिकड़ी की एक मेन धुरी होती है। जिकड़ी की साखी के बिना अधूरी होती है। साखी भाई धर्मवीर एक दिन पलीना में झूल रहे साथी को मन लगाकर सुनोगे ये मेरा दावा है आपका जिस्म झूमेगा एक दूसरे की तरफ देखना रहे तीनों देव और तीनों देव और तीनों देव अरे अनसुईया सुनाया कभी कह रहा है समझ में
में ना आ रहा दिखे गुरु जी हैं, मास्टर जी हैं का हेडमास्टर साहब हैं, रुपया नहीं देंगे ये मुझे ना लग रही साहब। इन पे तो निकारवे के चक्कर में क्यों जेब काट भी आए हैं, क्या बात है। अरे गोरा को मना खाई मरोड़ा, अरे गोरा को मनी खाई मरोड़ा, अब कैसे बाज गो सिलपे लोड़ा। बेटी की तरफ से पीयूष 50 रुपए, 50 रुपए फिर से सम्मान कर रहे हैं भैया जी, 100 रुपए का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पंडित जी 50 रुपए से सम्मान कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगा। और मेरे भाई धर्मवीर गाना बजाना बहुत उच्च कोटि की कला है, ये नारद भक्ति है, स्वर में ईश्वर बसता है। मैं इतना बड़ा कलाकार नहीं, श्रोता चिल्लाना सीखा, इस बहाने से आप जैसी महान मूर्तियों के दर्शन हो रहे हैं। और कैसो लगो है पेट में धक्का, लालच बुरी बला है पिंगोरा तक ना छोड़ूंगा मैं, रुपया नहीं मुझे ज्यादा जोश कवैयान में होगा ना ज्यादा है जी। हाँ क्या बात है, अनसुईया के पहुंची गई अंगना, अनसुईया के पहुंची गई अंगना, तीनों देव झूल रहे पलना, तीनों। संचालक जी तुम मत दुख पाओ, तुमो बड़े टीचर बताए, 50,000 के ऊपर मिलने बताए तुम्हें, 1,00,000 बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पुण्य कमाई में जो 10 रुपया दे रहे दुख पा के, संचालक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए साकी सम्मेलन भैया जी की तरफ से फिर से 50-50 रुपए का आशीर्वाद आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। भरतपुरी रसिया की जो झलक गरमबीर क्या है, लीला तेरी तू ही जाने, तीनों रानिया चकित रह गई। और भैया जी लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने रे तेरी माया तेरी लीला, तेरी माया तो न पायो कोई पा, लीला तेरी तू ही जाने। पुनः प्रस्तुति वही, ध्यान के लिए इस जगह पर एकाग्रत कर दीजिएगा। मेरे भाई धर्मवीर, रानी द्रौपदी ने राजा दंग के लिए वचन दे दिया, मैं तेरी सहायता
तेरी मदद करने के लिए तैयार हूं, मगर तू मुझे ये बता दे तूने बुरा क्या किया है। राजा दंग ने कहा, रानी मेरा दुश्मन बन गया है वो कृष्ण भगवान। क्यों? मैंने कृष्ण भगवान की घोड़ी को पकड़ा, घोड़ी के गले में एक पत्र बंधा, पत्र में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, जो मेरी घोड़ी के लिए पकड़ेगा उसे कृष्ण भगवान से युद्ध करना पड़ेगा। एक बार तो हाँ कर लिया और फिर ना किया, कह दिया मेरी तरफ से तो तू अग्नि में नहीं जा, कुआं में गिर जा। क्या? हाँ, कृष्ण भगवान से तूने बैर बढ़ाया है, ये तो तूने बहुत बुरा किया है। राजा दंग ने कहा, रानी द्रौपदी अभी अभी तो तू बड़ी छत्रानी बन रही थी और अब अपने बचनों को देके वापस हटती है। क्या? मैं तेरे लिए अब भी वचन देती हूं, मैं तेरी सहायता वश करूंगी, जो वचन दे दिया पीछे हरगिज नहीं हटूंगी। इसी जगह पर ठहर, मैं जाती हूं मेरे पांचों पतियों के पास, पहले उनसे पूछना है। इंद्रप्रस्थ गई पहुंच, द्रौपदी ने मतो उपायो, पंडन के ढंग जाए दंग को हाल बतायो, जाकी छिड़ी कष्ट से रार, श्याम को नाम सुनियो पंडन ने नीचे को नवागे नार। अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर द्रौपदी खुल के नट गए। रानी द्रौपदी ने नकुल से पूछा, सहदेव से पूछा, अर्जुन से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, मैंने वचन दे दिया है राजा दंग के लिए, उसका दुश्मन कृष्ण भगवान बन गया है, अब बताइए उसका साथ देना पड़ेगा। सबने इनकार कर दिया। अब शेष कौन रह गए? बलि भीम। बलि भीम के पास में पहुंच गई, रो रही है। बलि भीम ने देखा पांचाली, हे द्रौपदी इतने दर्पणों में अशोक की धारा क्यों है, कोई सबब कोई वजह? हाँ बलि भीम कारण है, क्या सुनिए। और करम की रेख जगत में नारी फिर से भैया जी की तरफ से 50 रुपए, एक भैया की तरफ से 20 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार अभिनंदन। रही भीमसेन को देख कर्म की रेख जगत में न्यारी है, कैसे मेरी लाज बचा ले भीमसेन वाला धारी, तू ही इकलो वीर धरूं कहां, कैसे मेरी लाज बचा ले भीमसेन बलधारी। बलि भीम ने कहा, और भाइयों से नहीं कहा, कहा है तू ही कला वीर धरू का धीर, भीम मतवार, भीम मतवार, तू ही कला वीर धरू का धीर, भीम मतवार, तेरे चारों भैया मेरी लाज बचा ले, नहीं मैं खुद रणखेतर कूद जाऊंगी, जंग में मान बस श्याम के मारूं, जीत समर को आऊंगी, तन मन आग लगी भीमा के, तुरंत गंग पे आयो, ये तो पकड़ दंग को लायो।
परमादरणीय श्रोता बलि भीम राजा दंग के लिए इंद्रप्रस्थ ले आते हैं, महलों में ला के छुपा दिया। ये विदित हो गया, पता चल गया यदुवंशियों में कि भाई पांडव राजा दंग की मदद कर रहे हैं। धर्मवीर जी आमने सामने की सेना तैनात हो गई। कथा पूरी सुनाऊंगा, मिनट पांच मिनट दस मिनट अधिक हो जाए तो क्षमा चाहूंगा, और आप कहेंगे इसी जगह पर ठहरिए, मैं उसी जगह पर रुक जाऊंगा। लेकिन भैया जी पहले प्रार किसने किया सुनिए। बात वीर रस की चल रही है, हाँ हास रस मत ले जइयो। श्याम ने छोड़ो चक्र पाथन बाण खेचके मारो है, गदा भी मने छोड़ दई रे जाको सोर मचो बड़ा भारे। साढ़े तीन वज्र आकाश में एकत्रित हो गए और आपस में टकराने लगे, जमीन पर अंगारे बरसने लगे, सृष्टि प्रलय की नौबत आ गई, वीर धरन पे मरन लगे, आग सी लग गई सब दुनिया में, जीव जंतु सब जरन लगे। ब्रह्मा कहे शिव नाम बताओ, जो इन वज्रन ते नहीं डरेगो इन सबको अलग करेगो। ब्रह्मा जी घबरा गए, मैंने सृष्टि को रचाया, आज मेरे ही सामने सृष्टि भीन होने के लिए जा रही है। बोले शंकर के पास में आए, बोले भोलेनाथ ऐसा वीर बताइए जो इन वज्रों को अलग अलग कर सके, अन्यथा सृष्टि भीन हो जाएगी। बोले बाबा ने कहा ऐसा वीर है ना, कौन? हनुमान जी। हनुमान जी को बोला बजरंगी इन वज्रों को अलग अलग कर सकते हो? क्यों नहीं बाबा। ब्रह्मा जी अलग अलग तो मैं कर दूंगा फिर, लेकिन क्या है बताता हूं। लाल बादना और बोलो अंजनी को ऐसे लाल बादना
101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं संत श्रोमणि, आशीर्वादी कामना करूंगा। और भाई धर्मवीर बजरंगबली बोले, ब्रह्मा जी इन बजरों को अलग अलग तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब मैं पृथ्वी की तरफ आऊंगा तो ये धरती माता मेरा भार मेरा वजन सहन नहीं कर पाएगी। फिर एक वीर बताता हूं कौन है, भीम बली है रे बाबा मेरो भैया, हे बली है बाबा मेरो भैया। दयाराम जी 51 रुपए से दया कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मवीर मेरे तो पूज को बूझ लबैया, पर न्यो पतो ना 500 रुपया कर रहे हैं। 5 मिनट के, 5 मिनट मांगे 500 रुपया, 5 मिनट की कह रहा हूँ, 5 मिनट रही है शेष, उसके बाद में फिर क्या होएगा, बंद करनो पड़ेगा। बंद ना कर रहा मैं तो 10 मिनट तक, जनता कह जाएगी जब बंद कर दूंगा, रात है जाएगी जब, तो जनता चली जाएगी ना, रात नहीं होगी जनता जाएगी तो मुँह पे तैयार। अब ठीक है तो फिर, अब तो मैंने मेरे वाम कर रखी है। सुनिए कथा समापन की ओर है, हंसी मजाक अलग होती है, केवल जिकड़ी ही सुना रहा हूं, कोई अटका भटका कोई लटका नहीं सुना रहा हूं, कोई उपदेश अलुआ सट्टा नहीं गा रहा हूं। श्रोताओ ब्रह्मा जी से हनुमान जी ने बोल दिया, बाबा इन बज्रों को अलग अलग करके मैं धरती पर आऊंगा, मैं धरती में समा जाऊंगा, मेरा भार सहन नहीं कर पाएगी ये धरती माता। एक वीर बताता हूं जिसका नाम है बली भीम, वो ही मेरे भार को मेरे वजन को सहन कर सकता है। अच्छा हाँ, ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा बोले सुन रे मोहना, हे मोहन ये सब तेरी जिम्मेदारी है, रण खेतन में लान होएगा तो भीम सेन वाला धारी है, भीम सेन वाला धारी है। और ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुरलीधर सब दुनिया ते बनो बनौआ, सब दुनिया ते बनो बनौआ, यहां सब ते है रही तंगी है, सब दुनिया ते बनो है भगवान से, मुरलीधर तुम्हारे लिए लाना होगा।
चाहे वो बलि भीम कहीं भी मिले, सोचे श्यामियों ज्यादा देर तक अर्जेंटा ना झिलेगा, जाने कहां पे भीम मिलेगा, चले जा रहे हैं, न जाने कहां मिलेगा बलि भीम, अंतर्यामी है, चले गए कृष्ण भगवान कहां। इंद्रप्रस्थ गए पहुंच नगर पंडन की राजधानी, दरवाजे पर मिली द्रौपदी पंडन की रानी। रानी द्रौपदी दरवाजे पर मिल गई और कृष्ण भगवान बोले, कन्हैया बोल रहे बानी, कन्हैया बोल रहे बानी, दे भीम को चल दे बता है बात ना है तू के कोई छानी। रानी द्रौपदी, बलि भीम कहां है बताइए ना, बुलाइए ना बलि भीम को। रानी द्रौपदी बोली, बलि भीम चाहिए। हाँ सुनूंगी पीछे ना ना ना, सुनूंगी पीछे ना ना ना, मैं कहूं करो बोई काम ध्यान दिए सुन ले रे काना, लपेट मत तू मोए बातन में, मत कोरो करे बखान कलम तू ले ले हाथन में, जगाए लाऊंगी भीमा मतवारो, अभी लाती हूं बलि भीम को, लेकिन मोहन मैं जिसको कहती हूं उसको कान खोल के सुन ले, जगा लाऊंगी भीमा मतवारो, जगा लाऊं भीमा मतवारो, पंडन की लिख दे जीत हार लो तू बंदी मारो। रानी द्रौपदी ने कह दिया कृष्ण भगवान से, मुरलीधर अगर तुम्हारे लिए बलि भीम चाहिए, इस कोरे कागज पर तुम्हारी हार लिखिए, पांडवों की जीत लिखिए, अभी लाती हूं बलि भीम को। कृष्ण भगवान ने ऐसा ही किया, खुद की हार लिखी, पांडवों की जीत लिखी, और कृष्ण भगवान बलि भीम को लेकर मैदान जंग में पहुंच गए, और देखा हनुमान जी ने बलि भीम आ गया, क्या किया, छलांग लगा के आकाश की तरफ और दोलानों का ढोला, सुनिए ने, और अरे
हनुमान जी ने बज्रों को अलग अलग कर दिया। कथा समझ में आ रही है तो नेक्स्ट ईयर रह रही, तुमको तो गा दू, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और पृथ्वी की तरफ आए, बलि भीम ने अपनी बाहों में ले लिया। धर्मवीर जी, सृष्टि भीन होने से बच गई। और याद दिला दूं, जो श्राप उर्वशी नाम की अप्सरा को लगा, गंधर्व चित्रसेन को लगा, गंधर्व चित्रसेन को गदा बनना पड़ेगा उर्वशी के लिए, घोड़ी ये मेरा श्राप है, ऋषि दुर्वासा ने दिया। और ये कहा कि 3:30 बजे इकट्ठे होंगे तभी इसकी मुक्ति होगी। वो समय आज आ गया। उड़ान कह रही है मुक्ति भई, दोनों की जोड़ी और उर्वशी नाए रही है घोड़ी। दंग जब खिलक रहो भारो, दंग जब खिलक रहो भारो, परसों से सुन रहे हैं आप लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 55, 76, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 55, 76, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 55, 76, 67, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 55, 76, 67, 78,
दादा पापा मामा गागा रे रेसा। कुछ हटके एक ठुमरी सुना रहा हूं। तालियों का प्यार चाहूंगा, अभी नहीं सुनना। जैसे भाई विष्णु बोल रहे थे ताली वास्तविक सत्य है, कलाकार का मनोबल बढ़ता है। धर्मवीर मृदंग बाजे तिरकट धम तिरकट धम ताता मृदंग बाजे बढ़िया साहब।
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।